देखिए भाई, आपके पास रजिस्टर्ड होने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि आप मुझे झटपट कोई नौकरी बता देंगे। जी जी, बहुत नाम सुना था मैंने आपका। कह दें कि आप मजाक कर रहे हैं। अरे वही तो, आपका और मेरा मजाक कहाँ है। एक काम करें, आप मेरे इस नंबर पे मुझे फौरन लोकेशन भेज दें, मैं कल 5 बजे इंशाल्लाह लोकेशन को फॉलो करते हुए पहुंच जाऊंगी। अच्छा चलें, खुदा हाफिज़। आपने क्या मुझे समझाया, आपके एक हुक्म पर मैं आपके 5-स्टार होटल भागी दौड़ी चली आऊंगी। बोले आपकी, बहुत नाम है मेरा, मैं आपके एक बुलाने पे एकदम तो नहीं आ सकती। अरे भाई, 5-स्टार होटल है तो मैं क्या करूं, मैं पहले आऊंगी, होटल देखूंगी, वहां का एनवायरमेंट देखूंगी, अगर मैं सेटिस्फाई होंगी देन मैं आपके यहाँ जॉब करूंगी, अदरवाइज नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। कौन था होटल पे बुला रहा है, कोई डेट वेट है क्या? तौबा तौबा, हम जैसी शरीफ लड़कियां डेट वेट पे नहीं जाती। 5-स्टार होटल से कॉल आई थी मुझे, ऑफर कर रहे थे। लड़कियां? किस चीज की ऑफर? अपने होटल में ना बतौर शेफ बुला रहे हैं मुझे, इसके कॉल पे इतनी मिन्नतें कर रहे थे। शेफ? तुम्हें तो ठीक से आलू उबालना नहीं आते, शेफ बनोगी तुम? चलो, अभी तुमने देखा ही कहाँ है मेरा अंडे और आलू उबालना। तुम तो बस सिर्फ दूसरों का खून उबाल सकती हो। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कहीं जलवल तो नहीं गई मेरी जॉब का सुन के? अरे भाई, जलना कैसा, बस मुझे हैरत हो रही है कि इतनी जल्दी तुम्हें इतने बड़े शहर में इतनी आसानी से नौकरी कैसे मिल गई। बस भैया, ये सब तो आमालों का फल है, वो कहते हैं ना जैसे कर्म होते हैं समर भी वैसे ही मिलते हैं। खैर, अब ऐसा भी नहीं है। ओहो, मैं भी किस काम से आई थी और तुम्हारे साथ बातें बनाने बैठ गई। अब वो जरा अपनी चार्जिंग केबल तो दे दो, सी टाइप वाली, मेरा फोन ऑफ पड़ा हुआ है, चार्ज करना है। बस इतनी सी बात थी, मैंने सोचा पता नहीं क्या कोई बहुत कुछ बड़ा मुझसे मांगने आ गई, मैं भी घबरा गई। उफ, लेके आती हूँ तुम्हारा चार्जर। होटल पे बुला रहे हैं शेफ। ये और शेफ बनेंगी, वाह 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 वाह, क्या बात है। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।